बैक टू माय चैनल नविता क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, टाइम है हमारे टी टाइम का और आज बन रही है हमारे यहाँ पे एक स्पेशल सी चीज जो कि है क्या? पिज्जा। जो से बोला? पिज्जा। पिज्जा। और मैं खाऊंगा मेरी चीज पिज्जा, मेरी चीज पिज्जा। सो इसके लिए बन रहा है चीज पिज्जा इसी की डिमांड पे। एक्चुअली इन दिनों अभी बाहर जाना आना, मतलब बाहर जाना आना तो हो रहा है, लेकिन बाहर जाके खाना हम लोग अभी प्रेफर नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं बाहर खाने के लिए। खाने का तो बाहर से सामान ले लिए, पिज्जा बेस, मोज़रेला चीज और बाकी सारी सामग्री तो करते हैं। अच्छा, तो बस सब पिज्जा बना लेंगे घर पे ही। बनाओगे? अब बनाऊंगी। कहाँ चलोगे अब बनाना? तो फ्रेंड चलिए, उसके लिए मैं बना रही हूँ पिज्जा। और फिर ये तो एक ऐसी चीज है कि सभी को पसंद आती है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। काफी टाइम हो गया है आप लोगों के साथ कनेक्ट किए हुए, कुछ रीजंस हैं जो मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही थी, और एक बार यू नो ब्रेक हो जाता है ना बीच में, तो फिर रेगुलरिटी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर मैं कोशिश करूंगी, पढ़ाई करना पढ़ाई के नाम से तो भाग जाता है एकदम से। तो बस मैं फटाफट से कर लेती हूँ तैयारी, एकदम सिंपल वे में मैं बनाने वाली हूँ झटपट से। और यहाँ पर ये देखिए, परसों लेके आए थे पिज्जा बेस लेके आए थे, तो मैं इस बेस को यूज करने वाली हूँ पिज्जा बनाने के लिए। मोज़रेला बेस और ऑनियन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऑनियन नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ कैप्सिकम और टमाटो कट कर रही हूँ। साथ में एक सॉस मसाला मिक्स बनाऊंगी। सॉस मसाला? तो चलिए फटाफट से तैयारी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शिमला मिर्च है और एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने डिसीट कर लिया है, और फिर उसको लेंथ वाइज कट कर ले रही हूँ मैं यहाँ पर फटाफट से। और आज का जो पिज़्ज़ा है वो मैं पिज़्ज़ा बेस जो रेडीमेड वाले मिलते हैं उस पर बनाने वाली हूँ। वैसे जो होममेड, मतलब घर पर हम पिज़्ज़ा बेस घर पर ही बनाए ना फ्रेश वाला, वो बहुत अच्छा लगता है। कभी बनाऊंगी तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, पर आज मैंने बस झटपट वाला बनाना था तो मैंने बस थोड़ा इजी वे ले लिया। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं तैयारी। और यहाँ पर मैं जो चीज़ है मोज़रेला उसको भी ग्रेट कर ले रही हूँ, और इस पे ना मुझे पनीर की टॉपिंग बहुत अच्छी लगती है। पनीर को मसालों वसालों के साथ थोड़ा सा फ्राई करके उसकी टॉपिंग बहुत यम लगती है, बट मेरे पास नहीं था आज, तो जो सब्जी घर में अवेलेबल हो उसी से बना लेना चाहिए। शिमला मिर्च और टमाटर भी बहुत यम लगता है। सो चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरी चॉपिंग हो गई है वेजिटेबल की, जिनको मैंने लेंथ में चॉप कर लिया है, चीज़ मैंने ग्रेट कर लिया है, और मेरे पास पिज्जा सीजनिंग नहीं है, पिज्जा सॉस नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिया है टमाटो सॉस, थोड़ा सा मेयोनीज, और इसमें मैं डाल रही हूँ चिली थोड़ा ज़्यादा स्पाइस के लिए, और हल्का सा मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, और इसको मैं कर लूँगी मिक्स। तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने पिज्ज़ा बेस पे एज ए स्प्रेड। ये देखिए ये भी रेडी हो गया है, और शेजवान सॉस, स्पेशल जो पिज्जा सॉस आती है वो अच्छी लगती है, बट ये भी अच्छी लगती है। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पिज्जा बेस को बहुत हल्का सा गर्म करूंगी, ज्यादा नहीं, हल्का सा। जिस साइड से मुझे टॉपिंग डालनी है ना उस साइड से मैं हल्का सा सेक ले रही हूँ। मैंने दोनों बेस को हल्का हल्का सा गर्म कर लिया है, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा। और अब ये है मेरे पास माइक्रोवेव की प्लेट मेरे पास ना। हाँ बेटा, बेचारे देखो ऐसे फट गया, ऐसे दर्द हो रहा होगा, ये फट गया है यहाँ से, इसको दर्द हो रहा होगा, तो इस पे ऑइंटमेंट लगा दो। इसकी ऑइंटमेंट है ये, डॉक्टर को बुलाओ, ऑपरेशन कर दो। मैं हूँ इसकी डॉक्टर, ये हो गई इसकी ऑइंटमेंट, सर्जरी दवाई, प्लास्टिक सर्जरी कर दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने स्प्रेड कर दिया है ये सॉस बेस, सॉस बेस नहीं, पिज्जा बेस पे सॉस को स्प्रेड कर दिया। कुछ भी बोलने से मतलब कुछ भी, मैं आपने बोला, अब अपने आपको क्या, मैं अपने आपको तो बोल रही हूँ। सो ये हो गया है अच्छे से, अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा चीज, मोज़रेला स्प्रेड करो, एकदम फ्रेश। एक काम करो, एक नवा डिब्बा है ना उसका, पूरा डाल,
तो पूरा ही तो जल गया, कितना बचा है? एक डेढ़ चम्मच सारा बचा है, आधा बचा है। देख लो उसमें चार चम्मच है, कुछ भी डालो। बाद में ब्रेड पिज्जा तो बनाना ही ना है। ब्रेड पिज्जा ही बनाना है अभी नहीं, कब? जब मेरा मन हो। तो फिर मतलब अगर इसको चीज को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, उसके बाद में हम डाल देंगे अपनी वेजिटेबल फॉर डेकोरेशन, फॉर बी हेल्दी हेल्दी पिज्जा, होम मेड पिज्जा हेल्दी। तो फ्रेंड्स सब्जियां भी हमने इस पे अच्छे से डाल दी है। थोड़ा सा मैं डालूंगी सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि चीज में और सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट है। बहुत हल्का सा डाला है सब्जियों के लिए ना, ऊपर से थोड़ा सा चीज और एंड सीजनिंग, मोर सॉल्ट। रेडी टू बेक। कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में, अभी से ही माउथ वाटर रही। तो फ्रेंड्स माइक्रोवेव को लगा दिया है प्रीहीट करने के लिए, 4 से 5 मिनट में इसको प्रीहीट करूंगी, फिर उसके बाद में जो हमने यहाँ पर ये अपना पिज्जा तैयार किया है इसको डाल देंगे बेक होने के लिए। तब तक हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होता है, मैं दूसरा जो है पिज्जा बेस इसको तैयार कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, कम चीज में एडजस्ट। मुझे ना वो पहले प्रिंटिंग में लगा देना चाहिए था, दिमाग से निकल गया। तो चलिए मीनवाइल मैं इसको तैयार कर लेती हूँ फटाफट से। तो इस वाले बेस को भी मैंने सेम प्रोसेस के साथ असेंबल कर लेना है। पहले सॉस स्प्रेड कर दिया है, उसके बाद थोड़ा चीज़ डाला है, फिर वेजिटेबल स्प्रेड कर दूंगी और उसके ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और टॉप कर दूंगी। और यहाँ पे बेटा बोल रहा है कि मम्मा इसमें थोड़ा सा मोज़रेला कम रह गया है, क्योंकि पहले वाले में ज़्यादा डाल दिया था। तो मैंने जो थोड़ा सा बचाया था, 2-3 मतलब थोड़ा सा बचा लिया था, मैं सोच रही थी कि ब्रेड पिज़्ज़ा बनाऊंगी किसी दिन ब्रेड के ऊपर कुछ लगा के, तो फिर बाद में मैंने उसको भी निकाल के इसके ऊपर क्रम्बल करके डाल दिया। और मीनवाइल हमारा जो है माइक्रोवेव अच्छे से हो गया है प्रीहीट, तो मैंने डाल दिया है उसमें बेक होने के लिए और बस अब वेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पिज्ज़ा हमारा अच्छे से बेक हो रहा है, 4 से 5 मिनट इसमें जाएंगे और ये हो जाएगा यम यम वाला खाने के लिए रेडी। फ्रेंड्स एक पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है और दूसरे वाले को मैंने डाल दिया है बेक होने के लिए। तब तक हम अपना ये पहला वाला पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं। तो हम सब बैठ गए हैं नीचे ही और इंजॉय करेंगे अपना पिज़्ज़ा। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे दोनों ही, बड़ा बेटा बोल नहीं पाता है पर वो भी अपनी एक्साइटमेंट दिखा देता है अपने इशारों के साथ में, तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड था। तो मैं उसको अलग से पीस तोड़ के खिला रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं उसके मुँह में गर्म ना चला जाए। सो बस अब हम यहाँ पर अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं और सच में मतलब घर में सीमित चीज़ों के साथ जितना अच्छा बन सकता था काफ़ी अच्छा लगा, एकदम से यम यम वाला लगा, मज़ा आ गया क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने इंजॉय किया तो बहुत अच्छा लगा है।
और इसीलिए दोनों बना लिए साथ में, ताकि ऐसा ना हो कि बस मुंह को लगा हाथ ना आया वाली बात, मतलब कि अच्छे से जब बनाया इतने टाइम के बाद तो मन भर के खाएं। तो चलिए हम तो कर रहे हैं अपना पिज़्ज़ा एंजॉय, आप भी एंजॉय कीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर नाउ। ये है हमारा सेकंड वाला आ गया है, और ये देखिए इज एंजॉयिंग, यम यम। चलो फ्रेंड्स से बाय बाय।